वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के फ्लो के बारे में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, किसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसी से कंसर्न टॉपिक्स हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज़ थ्योरम। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो आज कम से कम इसे ध्यान से देखें। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर हर वीडियो आप 3 या 4 बार देखेंगे तो ही आपको ये टॉपिक समझ आएगा, एक बार में टॉपिक समझ नहीं आता है। ठीक है, और रट्टा ना लगाएं, समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हमने फ्लूइड की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आइडल फ्लूइड किसे कहते हैं। आइडल फ्लूइड वो फ्लूइड हुआ जो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, वहाँ पे किसी भी तरह की टर्बुलेंट डिस्टर्बेंस नहीं है। क्लियर है, उसका नॉन विस्कस फ्लूइड है। वो क्या है? नॉन विस्कस फ्लूइड है। क्लियर, जब ये करैक्टर उसमें होते हैं तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एक आइडल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोला मैंने एक बार फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। क्या होता है आइडल फ्लूइड किसे कहते हैं? जो कैसा हो, नॉन विस्कस हो। ठीक है, इसका स्टेडी फ्लो है। ठीक है, और साथ में इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, है ना। उस कंडीशन में जो फ्लूइड इन सब कंडीशंस को फॉलो करता है, उसे हम आइडल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये सिंपल एक रिलेशन है। उस रिलेशन में हम क्या प्रूव करेंगे? ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एरिया इन विच इज फ्लूइड फ्लो। क्लियर है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान के चलते हैं, इस तरह से आपने कोई ट्यूब ली, यहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और यहाँ पे लीव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। इस एंड पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है और यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a2 है। क्लियर है, अब जब ये फ्लूइड एंटर किया, ठीक है जितना फ्लूइड यहां से एंटर करेगा उतना ही यहां से निकलेगा, अगर देयर इज नो सिंक और सोर्स बिटवीन दीज टू एंड्स। दीज एंड आर ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ द पाइप, एंटरिंग एंड और इट एग्जिट एंड। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स और सिंक नहीं है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो जो मास, जो वॉल्यूम यहाँ पे एंटर किया, वो ही यहाँ से लीव करेगा। क्लियर, अब क्या होता है उसके हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एंड ए इट इज इक्वल टू, ठीक है, मास के द्वारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और हम इसे किसे करेंगे? हम करेंगे इसको पर सेकेंड। क्या करेंगे हम? पर सेकेंड। सो इट बिकम्स a1 v1 और रो, इट बिकम्स a1 v1 और रो वन ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है, ये क्या होगी इसकी रो वन डेंसिटी, एंड ए की डेंसिटी रो वन एंड बी की डेंसिटी रो टू। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मास ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे मैंने v1 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि पर सेकेंड बोला, तो पर सेकेंड जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस और वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, एट एंड बी मास ऑफ लिक्विड, यहाँ लिखना है आपने मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, लीव एट द एंड बी इज इक्वल टू a2 v2 एंड रो। ठीक है, अब मैंने बोला कि देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एंड द फ्लो इज स्टेडी, सो मास एट द एंड ए इट इज इक्वल टू मास एट द एंड बी, सो a1 v1 रो 1 इज इक्वल टू a2 v2 रो 2। आपने इसे बीच में वर्डिंग में लिखना है, क्या लिखना है आपने? कि देयर इज नो सिंक और सोर्स बिटवीन दीज टू एंड, सो देयर विल बी नो लीकेज और एडिशन ऑफ द लिक्विड बिटवीन दीज टू एंड्स, सो द मास एंटरिंग एट द एंड ए इज इक्वल टू द मास लिविंग एट द एंड बी, सो a1 v1 रो 1 इट इज इक्वल टू a2 v2 रो 2। क्लियर हो गया था, तो ये हो गया। अब हमारे पास लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल है, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? सेम। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी इसकी? सेम।
क्लियर है, लिक्विड इन कंप्रेसर डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इट मींस ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या बन गया, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सो ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्लियर है। नया टॉपिक है हमारा बर्नौलियस थ्योरम, ठीक है। बर्नौलियस थ्योरम क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बर्नौलियस थ्योरम क्या होती है, इट इज अ रिलेशन, ठीक है, या इक्वेशन बोलते हो, रिलेशन बोल सकते हो, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास में जो रिलेशन होता है उसे बर्नौलियस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या से डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली पी अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर। कई बुक्स में यहाँ लिखा होगा पी प्लस जी रो एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। और ये जो है आपका इसके हिसाब से कैसे डिफाइन करोगे, अगर इस तरह से आपने लिखा है तो आप बोलोगे द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट व्हेन द फ्लो इज कैसा है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, उस केस में आप ये रिलेशन प्रूव करोगे और इसको हम बर्नौलियस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम, हमने एक फ्लूइड किया स्ट्रीमलाइन फ्लो का, ठीक है, वो एक पाइप ली ए और बी, उसमें वो एंटर कर रहा है एंड ए से विद वेलोसिटी वी वन और लीव कर रहा है विद वेलोसिटी वी टू, ए एंड बी एरिया क्रॉस सेक्शन ए वन और बी पे ए टू, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे इस एंड की हाइट सरफेस से ये की क्या होगी एच वन और दूसरी कितनी होगी एच टू, क्लियर है। अगर फिर जो प्रेशर रहता है इस एंड पे, प्रेशर कितना हो गया P1 और इस एंड का प्रेशर क्या हो गया P2, क्लियर है। अब यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक ये जब हम जा रहे हैं तो उस केस में जो फोर्स लगी एक एंड A पे, फोर्स एट एंड A इट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया P1 A1, कितना होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्लियर है। अब यहां पे लगा, ठीक है, फोर्स लगी, ये मूव किया तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी एट एंड ए, ठीक है, क्या होगा आपके पास वर्क डन, क्या होगा वर्क डन पर सेकेंड, क्या लिखोगे वर्क डन, ठीक है, पर सेकेंड, क्या होगा वर्क डन पर सेकेंड ऑन द फ्लूड एट ए, ऑन फ्लूड एट ए इट इज इक्वल टू पी वन ए वन वी वन, कितना बन गया पी वन ए वन वी वन, ठीक है। सिमिलरली एट एंड बी आपने पूरा लिखना है, आपने वर्क डन पर सेकेंड ऑन फ्लूड एट एंड बी इट इज इक्वल टू पी टू ए टू वी टू, क्लियर है, हो गया था। सो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूड ड्यू टू देयर प्रेशर डिफरेंस, कितना हो गया फिर नेट वर्क डन निकालना हमने, नेट वर्क डन, ठीक है, ड्यू टू ऑन फ्लूड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू पी वन ए वन वी वन माइनस पी टू ए टू वी टू, पी वन ए वन वी वन माइनस पी टू ए टू वी टू, क्लियर है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और हम इसे क्या लेंगे, इसे क्या लेंगे हम मास पर यूनिट, इस तरह से याद है आपको ए वन वी वन रो इज इक्वल टू ए टू वी टू रो, अभी लास्ट वाले में क्या था, सो इट इज इक्वल टू मास, सो डेंसिटी सेम है ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू एम अपॉन रो, उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलता है, सो नेट वर्क डन इट इज इक्वल टू पी वन एम अपॉन रो माइनस पी टू एम अपॉन रो, क्लियर है। अब क्या हुआ, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो प्रेशर डिफरेंस हुआ, जो नेट वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी ऑन द फ्लूड इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या इंक्रीज कर देते हैं,
ठीक है, जो वर्क डन हुआ फ्लूइड के ऊपर ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप लिखोगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज इक्वल टू एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। फिर आएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। ठीक है, दीज आर इंक्रीज इन एनर्जीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो वर्क डन होता है पी वन एम अपॉन रो माइनस पी टू एम अपॉन रो इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जीज एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। क्लियर है? अब इसके बाद आपने क्या करना है, वन वन को एक साइड ले जाए, सिंपल मैथ है, पी वन एम रो प्लस एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। ठीक है, हो गया यहां तक। अब दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू पी टू एम रो प्लस एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू का स्क्वेयर। क्लियर है? अब एम आपको दोनों साइड दिख रहे होंगे, कॉमन दिख रहे हैं, तो आप इनको काट दीजिए, सो इट बिकम्स पी वन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टू रो प्लस जी एच टू प्लस हाफ वी टू स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये स्टेज वन का आ गया और ये स्टेज बी का, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, सो इट शोज दैट पी अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज अ बर्नौलियस थ्योरम। क्लियर है? तो इस तरह से हमने बर्नौलियस थ्योरम प्रूव की। मैंने बोला आप दो या तीन बार इसे देखें, आपको पूरा समझ आएगा, एक बार देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, देखना है तो दो तीन बार देखें या इसे देखिए। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है।